हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आपको बताऊंगी बेबी का सर गोल रखने के लिए राई का तकिया, जिससे बच्चे का सर गोल रहेगा। बेबी पिल्लो बनाने के लिए हमें चाहिए एक फैब्रिक, कॉटन का आप ले सकते हैं। ये कपड़ा देखिए हमारे पास मोटा है, इसमें बारीक कपड़ा ना ले, मोटा कपड़ा ले। और ये मैंने नेट यूज़ किया है, इसकी हम इस पिल्लो के साइड में झलर लगाएंगे। ये कॉटन लिया है और ये मैंने लिए सरसों, जिसको राई बोलते हैं। इसका हम बनाएंगे पिल्लो। ये देखिए फ्रेंड, इसकी हमने ये चीज़ है चौड़ाई, इसको हमने लिया है 17 इंच। और इसकी ये लंबाई है, इसको हमने लिया है 12.5। आप बड़ा भी ले सकते हैं। अब इसका निशान लगाने के लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये हो गया डबल। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। जो बंद हिस्सा है हमारे पास, इधर से लेंगे हम 4.5 इंच और ये लेंगे 3.5 इंच। इसकी लंबाई हम लेंगे 8 इंच। यहाँ से वापस लेंगे 3.5 इंच। इसको हमें ये गोलाई वाला शेप देना है फ्रेंड। ये इस तरह लंबाई लेके हमने चौरस बनाए हैं। अब इसमें गोलाई देंगे हम। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। अब इसे गोलाई में हमें मिलाना है इस तरह से। ये एक गोलाई हमारी बनके तैयार हो गई है। यहाँ से हमने मार्किंग की थी 3.5 की, तो अब इस गोलाई में हम 3.5 की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारी गोलाई स्टार्ट है। ये गोलाई में हमें मार्किंग लगानी है और कुछ नहीं। मिलाना है आप डॉट डॉट करके। अब इसे खोलना है हमें और इस तरफ हमें निशान लगाने के लिए इसको ऐसे उल्टा करना है। अब इस पे हमें ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, ताकि जो मार्किंग है हल्की सी देखिए इधर आ गई है। इसको हमें वापस डार्क लाइन करनी है। ये इस तरह से आप इसको रेडी कर ले। अब हम बनाएंगे झलर। इसके लिए जो हमने नेट की पट्टी ली थी, आप झलर मतलब इस झलर को बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। जैसे आपको झलर छोटी बड़ी चाहिए उस हिसाब से ये पट्टी ले सकते हैं। अब एक साइड कच्ची सिलाई लगानी है। अब हमें जो ये बाहर वाली मार्किंग दिख रही है, इस साइड हमें ऊपर से 1/2 इंच ये छोड़ना है। उसके बाद झल्लर को रखनी है ये इस तरह से। सिलाई हम मार्किंग के ऊपर ऊपर लगाएंगे। नेट पे धागा दिखाई दे रहा है सिलाई का, इसको हमें एक धागे को खींचना है हल्के से। ये देखिए, ताकि ये चुन्नट बन जाएंगे बारीक बारीक। इस तरह से हमें पूरे में ऐसे झलर लगानी है।
इस तरह से हमें ये धागा लेना है और ये जलर बनाते जाना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा जलर है, उसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा आधा इंच कट करना है, यहाँ आधा इंच पे छोड़ के एक्स्ट्रा को कट किया हमने। इस तरह से हमने ये पूरी जलर लगा के तैयार कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसी साइज का एक और कपड़ा हमने ले रखा है कट करके, उसको हमें इस पे रखना है इस तरह से। जो सीधा हिस्सा है अंदर रहेगा, अब इसको मैंने उल्टा किया। ये देखिए, ये जो हमें धागे की मार्किंग ये दिख रही है, इस धागे पे ही हमें वापस सिलाई लगानी है। जलर को हमें इधर रखना है और इस जलर को हमें इस तरह से रखना है ये, और इस सिलाई पे हमें वापस सिलाई लगानी है। इस तरह से इस गोलाई के निशान पे कपड़ा इसके बराबर ही आएगा, और इस गोलाई के निशान पे हमें मशीन चलानी है। इस तरह से हम पूरे रख के पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये पूरे में सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। मशीन मत रखे, ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब ये जो बीच वाली मार्किंग है इसमें हमें वो कॉटन डालना है। ये जलर के पास जो हमें कपड़ा दिखाई दे रहा है फूला फूला सा, इसमें हमें ये मशीन के एक पैर के हिसाब से सिलाई लगानी है।